नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर स्वागत है और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी। ताजनगरी आगरा के आगरा जगनेर रोड स्थित थाना मलपरा में देखिए किस प्रकार समाधान दिवस में डीसीपी बेस्ट सोनम कुमार दोपहर को पहुंचे और वहां पहुंचते ही उन्होंने जहां जनता की सुनी, फरियादियों की सुनी, साथ ही साथ आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष के कार्यालय का भी उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ शहर एवं देहात की जनता, थाने में पीड़ितों के लिए लगाए गए आर ओ प्लांट का भी उन्होंने देखिए किस प्रकार उद्घाटन किया है और उन्होंने कहा है कि क्षेत्र की जनता के लिए अब ठंडा पानी मिलेगा, जो भी फरियादी आएगा उसकी सभी की सुनी जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें डीसीपी बेस्ट के सामने आपको बता दें कि जमीन संबंधी कई मामले आए, साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि मारपीट के भी कई मामले आए और सभी पर उन्होंने पुलिस को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द सभी की समस्या का समाधान किया जाए। तो जानते हैं डीसीपी बेस्ट सोनम कुमार से किस प्रकार का उन्होंने थाने का निरीक्षण किया है, समाधान दिवस में किस प्रकार लोगों की समस्याएं सुनी है और साथ ही साथ आपको बता दें थाना अध्यक्ष के कार्यालय के साथ साथ देखिए किस प्रकार आर ओ प्लांट का भी उनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो जानते हैं डीसीपी बेस्ट से। देखिए, थाना दिवस पर आज लोगों की समस्याओं को सुना गया, जमीन संबंधी और अन्य मामले देखे गए। उसके बाद थाने में जो जीर्णोद्धार का कार्यक्रम किया गया थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा, उसको लेकर के हम लोगों ने अब यहाँ पे किया है उनके कार्यालय और बाकी जो भी जीर्णोद्धार किया गया, मेस वगैरह भी जीर्णोद्धार किया गया और आगे भी हम लोग चाहेंगे कि थाने का जो स्वरूप है वो बदला जाए ताकि जनता जब यहाँ पे आए तो उनसे घर जैसा महसूस हो, उनसे जो व्यवहार है पुलिस का उसको भी सुधारने का प्रयास किया जाए। तो समाधान दिवस में मुख्यतः जमीन संबंधी मामले ही आए थे, इसके अतिरिक्त कुछ और मुकदमे भी थे जो कि सामने आए थे, उन सबको निर्देशित किया गया है, एसडीएम को बताया गया है, एसीपी को भी और लेखपाल तहसीलदार को भी बताया गया है कि इसका जल्द से जल्द निस्तारण करें। हाँ, उनके लिए देखिए अभियान चल ही रहा है, कुछ दिन पहले फतेहपुर सीकरी में कार्रवाई हुई थी, कल इरादत नगर और खंदौली में भी कार्रवाई की गई है। जैसे भी हम इस तरह की सूचना प्राप्त होती रहती है हम उस पर त्वरित कार्रवाई करते रहते हैं। सर, आपके यहाँ एक मामला आया था, एक जो बाबा साहब के व्यक्ति थे वो शिकायत कर रहे थे कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, मारपीट की गई मेरे भाई, वो क्या मामला है सर, कैसे? देखिए, उसमें जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच की रिपोर्ट हमें जैसे प्राप्त होगी उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हम ताजनगरी आगरा के आगरा जगनेर रोड स्थित कस्बा मलपरा थाना मलपरा पर और आपको बता दें कि थाना दिवस में आज फरियादियों की फरियाद सुनने के लिए डीसीपी बेस्ट सोनम कुमार थाना मलपरा पहुंचे जहां उन्होंने सभी फरियादियों की फरियाद सुनी। जमीन से लेकर अधिक विवाद आए, साथ ही साथ मारपीट के भी विवाद आए, साथ ही साथ आपको बता दें एक माँ बेटी का भी विवाद आया, जो एक बेटी माँ बाप से अलग हो गई है। इस प्रकार के कई विवाद आए जिनका डीसीपी सोनम कुमार ने बखूबी सभी का सुना और सभी को आश्वासन दिया। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज यहाँ थाना अध्यक्ष के रूम का यानी कि ऑफिस का भी उद्घाटन हुआ है और एक जनता के पानी पीने के लिए एक प्याऊ का भी उद्घाटन हुआ है, उन डीसीपी बेस्ट के द्वारा दोनों ही का उद्घाटन किया गया और इस मौके पर थाना मलपरा के फोर्स के साथ साथ क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।